खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान, खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज, सबसे पहले सबसे तेज सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए बताते चले कि आज बीएनबी वो खबर दिखाने जा रही है जिसे कहा जाता है कि खंडन की खबर। जी मैं बात कर रहा हूँ सुनील यादव की, जो जुआ महासभा, यादव जुआ महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था सीओ के संबंधित मामले में, उस बयान का खंडन करने के लिए यहाँ पर एसटी मोर्चा के सचिव परम अशोक बेसरा जी और भाजपा के मंडल अध्यक्ष परमेश्वर मरंडी जी यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका कहना है कि दिए गए बयान बिल्कुल निंदनीय है और कई तरह की बातें आ रही है सामने निकल करके। आदिवासी समाज जहां गोलबंद होने की बात बताई जा रही है, वहां पर नेतृत्व कर रहे परमेश्वर मरंडी और अशोक बेसरा जो जिला सचिव हैं एसटी मोर्चा के, यहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं हम लोग उन्हीं से सुनते हैं। बताते चलें कि बेंगाबाद के महुआर में जो सीओ के साथ जानलेवा हमला हुआ था, उस पर सुनील यादव जो जुआ यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया था कि सीओ शराब के नशे में रहते हैं, इस बात को लेकर मामला तूल पकड़ गया है। और आखिर क्या तूल पकड़ा है, इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं परमेश्वर मरंडी के पास और अशोक बेसरा जी के पास जो एसटी मोर्चा के जिला सचिव हैं और परमेश्वर मरंडी जी जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं सबसे पहले परमेश्वर जी के पास और क्या मामला है इन्हीं से जानते हैं। जी परमेश्वर जी, आपके सबको नमस्कार। जी जी, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से जी पता चला कि सुनील जी ऐसे ऐसे बात बोले कि सीओ साहब दारू पीते हैं, जानकारी था हमको, कोई जानकारी दिया है कि दारू पीते हैं, दारू पी के फील्ड जाते हैं, ये सब बहुत ही सुनील जी के मुंह से जो बोले बहुत ही निंदनीय बात है। कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी में कोई भी घटना घट जाती है तो लोग बोलते हैं कि दारू पिया हुआ था, ये मानसिकता ले करके सुनील जी बोल रहे हैं कि सीओ साहब दारू पिए हुए थे। हाँ, वो बोले कि जांच। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप आदिवासी को इस गलत भावना के साथ जो बात बोलें बहुत ही निंदनीय है, और इस बात को आप जल्द से जल्द वापस करें, नहीं तो हम लोग जितना भी आदिवासी हैं गोलबंद होके हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या सुनील जी, क्या लग रहा है जो सीईओ के साथ जो घटना घटा, हाँ घटना जो घटा परमेश्वर जी, क्या लगा, क्या है हकीकत, क्या है आखिर? जो भी घटना घटी है हाँ वो तो निंदनीय घटना है। कोई भी गजिटेड ऑफिसर को मारा गया, हाथ तोड़ा गया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। अगर कोई भी काम विशेष होती है अगर नहीं बनती है उसको कोई नियम पूर्वक ही किया जा सकता है, ना मार के जबरदस्ती, ऐसे तो बहुत बड़ा ये घटना घटी है। और इस मामला को जो दारू बोल के सुनील जी कहीं भटका रहे दिशा को, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथासंभव तुरंत वो अपना बयान को वापस करे और आदिवासी समाज से माफी मांगे, बयान को वापस ले और आदिवासी समाज से माफी मांगे। बात यहां तक पहुंच गई है तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। आइए चलते हैं अशोक बेसरा के पास जो एसटी मोर्चा के जिला सचिव भी हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और कैसे इसका हल और समाधान हो। जी अशोक जी। जी नमस्ते, बीएनबी ऑल इंडिया के दर्शकों को मेरे ओर से हार्दिक जोहार। जी आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई जैसे सुनील भैया के जो बयान आया था बेंगाबाद के सीओ कि वो शराबी हैं, शराब पी के बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाया गया है कि आदिवासी सच में दारू पी के काम करता है। कुछ भी गलती हो वो उसको शराबी बोल करके उस चीज़ को लाफा दफा करने की कोशिश किया गया है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी जैसा भी हो अपनी जगह सही है। सुनील भैया से हमारा निवेदन भी होगा, एक बड़े भाई अपने छोटे भाई होने के नाते उसे मैं आग्रह भी करूंगा कि आप आदिवासी समाज से और अपना क्षेत्र के एक आप जन प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं, उसके हैसियत से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके
आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे, सीओ साहब से भी माफ़ी मांगे। घटना तो निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो घटना घटी है इस पर उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। थाना प्रभारी से भी हम अनुरोध करेंगे कि जितना हो सके रामचंद्र ठाकुर नाम का कोई ऐसा आपके माध्यम से ही हम लोग को पता चला है उस पर गिरफ्तारी करें और उस पर ठोस कार्रवाई करें। तो क्या चाहते हैं ये जो सुनील यादव जी जो बोले हैं, जो बयान दिए हैं शराब के लिए, क्या वो सत्य है या नहीं है? हम लोगों के नज़र में अभी तक तो ऐसा नहीं है। अगर सुनील भैया को इसके बारे में पहले मालूम होता तो इस घटना के पहले भी तो इस बात को रखा जा सकता था। क्योंकि प्रखंड अपना है, अंचल अधिकारी हाँ अपना है, इंडिविजुअल भी अगर वो चाहते तो आके बैठ कर सकते थे। तो क्या अब आखिर क्या, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है शराब की नशे में रहते थे, वो स्टेटमेंट दिया, इस पर क्या उनसे आप कहना चाहते हैं? स्पष्ट शब्दों में बताइएगा। स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि आप बीएनबी ऑल इंडिया को जो इंटरव्यू में दिए हैं उस सच्चे को मानते हुए आप आदिवासी समुदाय से आज की आज माफ़ी मांगे, और नहीं तो इस घटना के बारे में आप जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ में हम आपके खिलाफ में भी और आपके द्वारा जो बोला गया इस बात को लेकर हम गोलबंद होके एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे ताकि इस तरह के जो घटना होने के बाद बयानबाजी आती है ये दोबारा ना हो। और अंतिम में आपसे हम यही आग्रह करेंगे, इस प्रकार की जो आप घटना के बारे में निंदनीय बात बोल रहे हैं आज के आज वापस लें, आदिवासी समुदाय से माफ़ी मांगे। कौन कौन माफ़ी मांगे? सुनील भैया जिन्होंने स्टेटमेंट दिया। जी 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 परमेश्वर जी, और कुछ कहना आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इनको, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जादव जुआ महासभा के जो अध्यक्ष हैं सुनील यादव जी के द्वारा जो दिया गया बयान है शराब को लेकर के, वो बयान को वापस करने की मांग आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे नहीं तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बहरहाल जो भी हो मामला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है या पूरी काला है दाल, ये तो जाँच का विषय है और जांचने की और समझने की और देखने की जरूरत है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।